हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन करना, यूज करना। हाइट एंड डिस्टेंसेस, वी हैव लर्न अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द प्रीवियस चैप्टर। नाउ वी विल लर्न the use of the knowledge of the ratio to calculate the height or length of an object or the distance between two objects. But let first define a few terms. First of all, line of sight. The line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point of the object view by the observer. When an object is being viewed, it may be first at the eye level, second time above the eye level, and third time below the eye level. After that, first at the eye level, object eye, line of sight, eye से object को देखने की जो हमारे पास line है, इसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। सेकेंड, अबव द आई लेवल, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आई, आई टू ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ साइट, एंड इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल मेड थीटा। थर्ड, बिलो द आई लेवल, ऑब्जेक्ट होगा बिलो द आई लेवल, दिस इज आई साइट and this is object and this is line of sight, and angle made theta in between horizontal line and line of sight. After that, angle of elevation. If a person is looking up at an object, the acute angle measured from the horizontal to a line of sight is called the angle of elevation. Suppose a person eyesight and looking this object P, then in between horizontal line and line of sight made angle of elevation. For example, पतंग जब हम उड़ाते हैं तो पतंग की जो डोर है और horizontal line के बीच में जो angle बनेगा उसे हम बोलेंगे angle of elevation. इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ always देखने पर angle of elevation बनता है. After that, angle of depression. If a person is looking down at an object, the acute angle measured from horizontal to a line of sight is called the angle of depression. Suppose a person stand here top of the building and looking some object P from top of the building, then the angle made in between horizontal line to line of sight is called angle of depression. For example, आप एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और बिल्डिंग के टॉप से आप नीचे कोई एंगल आप और कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है. अब फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, इसको कंप्लीट किया हमने, ये 90 डिग्री कंप्लीट, ये हमारे पास जेड शेप में बन गया, और जेड शेप में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो आप डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस को आप एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज अल्टरनेट एंगल. आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the pole with the ground level is 30 degree, see figure. ये figure हमारे पास given है, 20 meter A to C, 30 degree angle and B. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट हाइट ऑफ द पोल,
h मीटर, हम अज्यूम कर लेते हैं हाइट पोल की h मीटर, देन अपोजिट ऑफ 90 डिग्री साइड इज ऑलवेज हाइपोटेनियस एंड एंगल मेड एंड अपोजिट टू दिस एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड रेस्ट ऑफ साइड बेस. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होता है साइन में, साइन थीटा, और यह थीटा, थीटा इज हियर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. पुट द वैल्यूज h अपॉन 20, परपेंडिकुलर इज h एंड हाइपोटेनियस इज 20. द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. पुट द वैल्यू ऑफ साइन 30, 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20. क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू 20/2, देन 20 से 2 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, देन 10 मीटर, हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर. आंसर. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक डायग्राम बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी एक ट्राइंगल है, सपोज ये टोटल हाइट है बी डी, स्ट्रॉन्ग से पहले की हाइट ये एच वन एंड एच टू. आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग ये वाला पार्ट ड्रॉप होके ट्री का ऐसे टच करेगा ग्राउंड लेवल को, एच टू यहां पर आ गया लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट. एंगल बनाएगा ये ब्रोकन पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का, ये एच वन ये एच टू ये ब्रोक होके ये वाला पार्ट यहां पर आ गया एच टू. लेट द लेंथ ऑफ द ट्री बिफोर स्ट्रॉन्ग बी बी डी एच वन प्लस एच टू मीटर टोटल बी डी. आफ्टर स्ट्रॉन्ग ए डी इक्वल टू ए सी लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी वी नो दैट अपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनियस एंड अपोजिट ऑफ एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड रेस्ट ऑफ साइड बेस. इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी बेस और परपेंडिकुलर जो रेशो होता है वो 10 में होता है हमारे पास, और एंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, देन वी टेक 10 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हेयर इज ए बी एंड बेस हेयर इज बी सी. पुट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस एच वन अपॉन 8. पुट द वैल्यू ऑफ 10 30 1/√3 इज इक्वल टू एच वन अपॉन 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एच वन इज इक्वल टू 8/√3. आफ्टर दैट डूइंग रेशनलाइजेशन एच वन इक्वल टू 8/√3 मल्टीप्लाई √3/√3. रेशनलाइजेशन क्या होता है, अपॉन में जो रूट वाली वैल्यू को हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं उसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई. अगर प्लस माइनस में होता तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्लस होता तो माइनस से करते और माइनस होता तो प्लस से, लेकिन यहाँ पर वन डिजिट है तो सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड. देन एच वन इक्वल टू 8√3/3 से इक्वेशन फर्स्ट. आफ्टर दैट cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हेयर बेस इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. पुट द वैल्यू ऑफ बी सी एंड ए सी 8/H2. पुट द वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2 इज इक्वल टू 8/H2. आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच टू इज इक्वल टू 8 × 2/√3. 8 × 2 = 16/√3. डूइंग रेशनलाइजेशन इसमें भी डिवाइड में रूट वाली वैल्यू आ गई तो इसको हम रिमूव करेंगे रेशनलाइजेशन से. तो रेशनलाइजेशन करने के बाद एच टू इज इक्वल टू 16/√3 × √3 √3 √3 √3 × 3 एंड 16√3/3 से इक्वेशन सेकेंड. बट टोटल
length of the tree is h1 plus h2. Hence, the total length of the tree BD, h1 plus h2, from equation first and second. First and second से h1 and h2 की वैल्यू पुट करने पर h upon 8 upon 3 root 3 plus 16 upon 3 root 3. Take LCM 3. 8 root 3 plus 16 root 3. 8 root 3 plus 16 root 3 after addition 24 root 3 upon 3 and 24 cancel with 3 8 times then 8 root 3 meter answer. After that आपको जो homework में questions करना है exercise 9.1 का question number 3 a contractor plans to install two slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो आपको two diagrams बनाने, एक small children के लिए और दूसरा elder children के लिए. इसमें आप first वाले diagram में 30 degree angle बनाएंगे and second वाले में 60 degree angle बनाएंगे. Thank you.